अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4C ऑफ चैप्टर नंबर 4, ट्राइंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स। तो इसमें 4C एक्सरसाइज ये पॉलीगॉन से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स। ये पॉलीगॉन्स है यानी कि नंबर ऑफ साइड, 11 गोन में इसमें 11 साइड होंगी, 12 गोन में 12 साइड होंगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका फार्मूला जो होता है यानी कि इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने का होता है एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180। एन वहाँ पर क्या होगा, वो नंबर ऑफ वो जो है उसकी साइड्स होंगी। जैसे यहाँ पे 11 को होना, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 11 माइनस टू करेंगे उसको, जो आंसर है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो हमें जो हमारे पास जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है यानी इन साइड वाले सारे एंगल का जो है वो सम आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं इधर फार्मूला लिख देता हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन वो होता है एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी फार्मूला का हम, क्योंकि 11 गोन है तो हेयर एन इक्वल टू 11, 12 गोन है तो हेयर एन इक्वल टू 12, 15 गोन है तो हेयर एन इक्वल टू 15, ठीक है। इसी तरह हेयर 20 कौन सा, तो ये आ जाए हेयर एन इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले हम सम फाइंड करना है इसमें, जस्ट हमने तो वो करते हैं सम इधर, सॉरी पार्ट ए सॉल्व करते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू आ जाएगा एन की जगह, हम देखें इस फार्मूला में वैल्यू लगाएंगे, एन की जगह क्या आ जाएगा, 11 माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 11 माइनस टू करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 620 डिग्री। इसी तरह जब 10 हो गए तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंगल्स वो क्या आ जाएगा, एन की जगह क्या आ जाएगा, कितने गोन है, 12 गोन, तो 12 माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 180, जब 180 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 जो है हमारा आंसर है। इसी तरह 15 को होना है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 15 गोन, ठीक है। मैंने ऊपर नहीं लिखा 12 गोन या 11 गोन, मैंने इसमें एक में बता दिया है, थर्ड वाले पार्ट में ना भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि हम जिस गोन का यानी 15 गोन का फाइंड कर रहे हैं। तो एन की जगह आ जाएगा 15 माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, यानी कि ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो 15 माइनस टू का 13 मल्टीप्लाई बाय 180, जब 13 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2340 डिग्री। इसी तरह जो है डी पार्ट, 20 को होना तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180, तो एन की जगह आ जाएगा 20 माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 180 डिग्री, तो 3240 डिग्री जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4C कम्प्लीट हो गया। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।